हमारे घर में ना इस टाइम आप यकीन करें आप सबके, तो इंशाल्लाह एक दो दिन तक जैसे ही मैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करती हूं तो मैं इसको ज्वेलरी पहना के रहूंगी और मला के पहनी पर्पल पे इतने फ्लावर नहीं है, देखो ये बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपने किचन के लिए, अच्छी है। माशाल्लाह मौसम बहुत ही खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और दिन भी बड़ा ही प्यारा है माशाल्लाह। और यहाँ से व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये ज्वेलरी पहन सकती है बच्ची। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हम सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, दुआ हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको कभी भी किसी का मोहताज न करे, आमीन या रब। तो इसी के साथ हमारे आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के व्लॉग में क्या कुछ मैं आप सबके साथ शेयर कर पाती हूँ। मौसम बहुत ही खूबसूरत है आज का माशाल्लाह, और तमन्ना यहाँ पर खड़े खड़े मौसम को एंजॉय कर रही है, चाय पी रही है और इसने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। मैंने डाल के रखी है। कहाँ डाल के रखी है? माशाल्लाह हमारे घर में ना इस टाइम आप यकीन करें आप सबकी पूरी जो लाइट्स है ना ऑफ है सारी, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो विंडोज ओपन है और पूरे घर में रोशनी आती है, पूरे घर में ठंडी हवाएं आती है, यानी इस तरह का डायरेक्शन है जो विंडोज का, बहुत ही खूबसूरत जो है ना खुशगवार सा माहौल बना रहता है हमारे घर में ज्यादातर एसी। हमारे सुबह सुबह का चाय, इसलिए मैंने इसे वैसे आज इसे मैंने कहा मैं जिस साइड से भी गुजरती हूँ ना ऐसे माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती है ना, तो एसी भी ज़्यादा अभी वैसे अभी चल नहीं रहा, वैसे मौसम भी कुछ जो है ना यहाँ पर ठंडा हो गया है, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया, तकरीबन 25, 26, 27 इस तरह का जो है ना वो दर्जा हरारत चल रहा है मदीना मुनव्वरा में। उसके साथ साथ लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हैं जो अभी एसी चला रहे हैं, लेकिन हम जो है ना अभी बिल्कुल जो है चलाते हैं लेकिन जैसे फ़ैन पर चलाते हैं, क्योंकि अब हमारी ऐसी आदत बन गई ना मुझे सो के कि एसी की जो आवाज़ होती है उस पर ही सोना है, क्योंकि इधर उधर से जब एसी अगर बंद होते हैं ना तो आवाज़ें आती हैं इधर उधर से, तो उस आवाज़ों से ना फिर नींद नहीं आती, तो इसलिए हमें चलाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एसी का फ़ैन चलाते हैं, बाकी एसी वगैरह जो है सारे बंद है। इतना जो है ना घर हमारा माशाल्लाह ठंडा हवादार है और ठंडे और हवादार होने पूल पे चला फैन पे करके मैं चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ कहीं बीमार ना हो जाए क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है एसी की। हवादार घर की वजह से ना जो है ना मेरा खुद का जो है ना माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है, जहाँ से भी जाती हूँ इतना अच्छा अच्छा फील होता है। ये रही मेरी चाय, तमन्ना मेरी चाय बना के यहाँ पे रख के चली गई है। आज हमारा नाश्ता हो गया और नाश्ते के बाद हमारी चाय बनी है, तो फिलहाल अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। आज हानिया ना मलाक के पीछे लगी हुई है, कहते मैं इसको ज्वेलरी पहना के रहूंगी और मलाक ने पहनी नहीं है, वो थोड़ी देर में उतार के फेंक देती है। ये देखो मलाक अब तो बहुत क्यूट लग रही हो माशाल्लाह ज्वेलरी के साथ, नहीं पहननी उसे, इरिटेट हो रही है वो। बच्चे जाने वाले हैं पढ़ने, मोना यहाँ पर जाने से पहले नमाज पढ़ रही है, और हमारे कुकु की ऐसी आदत है ना माशाल्लाह कि जब भी जो भी नमाज पढ़ रहा हो ना ये आ जाता है वहाँ सजदा करने के लिए और अल्लाह अल्लाह बोलने के लिए, इसलिए तो हमारा और कुकु का ऐसा साथ है ना माशाल्लाह कि अल्लाह पाक हमेशा जो है ना कायम और दायम रखे, कुकु हमारे साथ हमेशा रहे इंशाल्लाह। तमन्ना के ऑर्डर आने के बाद मैंने भी कहा कि मैं भी इस ऑफर से फायदा उठाऊं और मैंने कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया था और आज सुबह में ये पार्सल हमें मिला है, तो इंशाल्लाह एक दो दिन तक जैसे ही मैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करती हूँ तो आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैंने ऑफर में क्या लिया है। मैं ये रूम का दरवाजा बंद कर देती हूँ, एक तो दरवाजे बंद नहीं हो रहे ठीक से, जितना भी मैं कस के बंद करती हूँ ना दरवाजे को आके नहीं, वो आके जोर से ऐसे वॉक कर मारती है ना अपने दरवाजे को, दरवाजा खुल जाता है। लॉक अभी ठीक करने हैं ना आपके पापा ने, ठीक हुए नहीं, मुझे दे दो मैं किसी और रूम में रख देती हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे पहुँच जाएगी ऐसे खा, ठीक है इधर दे दो, मुझे डर है मैं कोई काम करूँ और वो यहाँ पे पहुँच ना जाए। माशाल्लाह हमारा कुकू भी आज यहाँ से बैठ के व्यू देख रहा है बाहर का, कुकू बाहर की नेट बंद कर दिए ताकि ये बाहर ना चला जाए, आपके पापा बात करें कि इसने आ जाते हैं अभी, मलाक को भी इसने भी जाना है, इसने जाना है, मेरा बच्चा पहुँच कैसे जाता है हर जगह पे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाई? करो क्या हुआ आपको, चले गए मलाक को छोड़ के सब चले गए? मलाक आ जाओ वापस आ जाओ, जैसे कैसे इसने दरवाजा खोलना और बाहर जाना है, आ जाओ हम चलते हैं, चले गए वो सब, मेरे बच्चे को छोड़ के चले गए सब, आ जाओ। मलाक को ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है चुप करवाना, अब मैंने इनके साथ बिठाया लेकिन फिर भी यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये रो रही है, ये खेल रही थी, खेल रही थी और मैं समझ रही थी कि शायद ये रो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? मलाक हो देखो तो सी, आपके बहन भाई आपको खिला रहे हैं और आप फिर भी आप रोती रहती हो। अभी मारेगी आपको ये, देखा आ जाओ मम्मा के पास, आना है आना मम्मा।
इधर लेकर आओ हानिया से मेरे पास, उसे भी बाहर देखना अच्छा लगता है। बच्चों के जाने के बाद मैंने मलाक को नहला दिया था और माशाल्लाह नहाने के बाद बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी सो जाते हैं, तो कभी कभी मलाक बहुत ही ज्यादा खेलती है और माशाल्लाह आज इसका मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और कुकू को भी हमने इस टाइम में छोड़ दिया था, तो जैसे इसने कुकू को देखा तो कुकू के पीछे भाग रही थी बार बार, हमेशा ये कुकू से डरती रहती है और जोर जोर की कभी कभी चीखें भी मारती है, लेकिन आज तो कुकू इससे डर के भाग रहा था और हम सब इसको देख के बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी और मुस्तफा हानिया हम सब देख कर को बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे माशाल्लाह। मलाक छोड़ दो, बस को काट ना ले आपको, बस आपने बहुत पीछा किया उसको, छोटी बच्ची डरती कैसे नहीं है। नहीं मलाक मलाक अगर इसने काट लिया ना तो आपकी खैर नहीं है, आज मैं आपको बता रही हूँ। हानिया का ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था और दो तीन दिन से माशाल्लाह हानिया का ट्यूशन स्टार्ट हो गया और वहाँ पर टीचर के बच्चे से हानिया की दोस्ती हो गई। खुशी खुशी से ये ट्यूशन जाते यहाँ पर इससे बातें करते करते मैंने इसके बाल बना लिए थे। और सबसे मेन बात कि हमारे घर के साथ ही है जो हानिया का ट्यूशन हमने स्टार्ट करवाया है, जाने से पहले मलाक से मिलकर जाना है। आज मुस्तफ़ा की छुट्टी है, मुस्तफ़ा ने छुट्टी की, आज नहीं गया ट्यूशन क्योंकि इतने दिनों से मुस्तफ़ा के एग्जाम हो रहे थे, इसके ऊपर प्रेशर आया हुआ था, तो आज मुझे कह रहे मम्मा प्लीज़ मुझे आज छुट्टी करने दें, आज मुझे नहीं जाना। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कर लो आज का दिन छुट्टी आप। और यहाँ पर अभी इसने मुझे कहा कि मुझे मैगी बना कर दें, तो मैं इसके लिए मैगी बना कर लेकर आई हूँ, साथ में मैं अपने लिए भी चम्मच लेकर आई हूँ। और मैंने कहा कि आज मैं भी इसके साथ ना बच्ची बन जाती हूँ और मैं भी खाती हूँ थोड़ा बहुत। ये मैगी नूडल्स ना मुस्तफ़ा के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। रात का खाना मैंने बना लिया है और बच्चे भी आ चुके हैं, तो आज रात के खाने में मैंने कुछ ज़्यादा बनाया तो नहीं है, कल रात मैंने बनाई थी दाल, तो दाल बची ही थी इसलिए मैंने कहा कि दाल वेस्ट ना हो जाए, मैंने बना लिए हैं सादे व्हाइट चावल जो होते हैं दाल के साथ, हमेशा मैं बनाती हूँ। तमन्ना ने आते ही मैंने तमन्ना को कहा कि आप दाल गर्म करो, और यहाँ पर बने हैं मेरे चावल, अभी मैंने इनका दम खोलना है। चावलों का दम मैंने खोल लिया था और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी तेज पत्ते की, जीरे की, और साथ काली मिर्ची और कुछ लौंग भी मैंने डाले थे। जैसे ही मैंने दम खोला तो बस मैंने सोचा कि अभी दस्तरखान लगा लेते हैं, क्योंकि हानिया कब से चिल्ला रही है मुझे पॉट चाहिए, मुझे मेरा फ्लावर चाहिए, मैंने एक्सपेरिमेंट करना है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बस अब खाना खा लेते हैं रात का। आज रात का खाना बन भी जल्दी गया था और हमने खा भी जल्दी लिया था। हानिया के पॉट के साथ साथ मुझे भी मार्केट जाना था, मुझे भी कुछ काम करने थे अपने। दस्तरखान लगाने के बाद मैंने सब बच्चों को बुलाया और किचन की लाइट्स ऑफ कर दी मैंने, क्योंकि हमेशा मैं जहाँ पर जो फालतू की लाइट्स चल रही होती हैं तो मैं उन्हें ऑफ करती रहती हूँ। अभी हम जाने लगे हैं बाहर मार्केट। तमन्ना को मैंने कहा कि प्रेशर कुकर मुझे डाल के दो, ये स्टील का है, काफी अच्छा है ये, इसके ढक्कन का जो प्लास्टिक है ना वो ठीक नहीं है, और बस वही जाके अभी हम दिखाएंगे, अगर बन सकता है तो इसको हम बनवा लेंगे, अगर नहीं तो बस फिर। एक तो मैं प्रेशर कुकर लेकर जा रही हूँ और दूसरा ये कि हानिया ने लेकर जाना प्लांट, जो कि दो तीन दिन पहले से बात हो रही थी हमारे घर में कि इसने प्लांट लेके जाना है, सुबह थर्सडे है तो थर्सडे को भी लेकर जाना, पता नहीं इसने साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करना है। क्या क्या चाहिए साथ में हानिया आपको? मुझे सीड भी चाहिए, सीड भी चाहिए, फ्लावर भी चाहिए, सीड ले जाओ। और इसके अलावा क्या चाहिए? चलो आ गए हम। हानिया उधर देखो आपके पापा क्या तोड़ रहे हैं, मैं भी जाके ना करीब से देखती हूँ ये कोई फ्रूट है, क्या चीज है ये? ऑरेंज है, माशाल्लाह लगी कितने सारे हुए। हानिया आप देखो जल्दी से कौन सा चाहिए आपको, जल्दी से चलो वहाँ से एक फ्लावर ले लो। छोटे प्लांट है उनमें से कोई फूड वाला है? फूड वाला पता नहीं, आपको फूड वाला नहीं चाहिए, उन्होंने कहा सिर्फ एक पॉट हो, उसमें मिट्टी हो और उसमें प्लांट हो, जैसे ये छोटे छोटे, हाँ ऐसा ले लो, क्योंकि इसे सिर्फ वो चाहिए, कोई इसने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है। हानिया ये वाला बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है, ये वाला ले लो। हानिया देखो ये फ्रेश नहीं है, आपकी मर्जी, अगर लेना है तो ले लो। ये देखो ये आ गया पर्पल, बस अब बताओ ना अभी अब ये देखो तीन है आपके पास, रेड भी है, पर्पल भी है और ये येलो भी है, देखो कौन सा चाहिए आपको। हानिया जल्दी बताओ प्लीज,
ये भी प्यारे लग रहे हैं। ये भी फ्रेश नहीं है देखें, यहाँ से ये सुबह तक फ्रेश रहना चाहिए ना। आखिरकार घूम फिर के नहाया फिर आगे की बस अब ये वाला लेकर दे दे मुझे, ये वाला ज्यादा अच्छा है। हाँ ये वाले अभी आए देखो, ये वाला फ्लावर भी बहुत प्यारा है। मेरे तो दोनों फेवरेट है। आजो हानिया, अब आपने ना इसको संभाल के रखना है हानिया, सुबह तक इसको फ्रेश ही रखना है आपने। अभी हम आ गए हैं बर्तनों वाली शॉप पे, यहाँ पे हम कुकर अपना लेकर आए हैं, अभी दिखाते हैं कि ये बनता है कि नहीं बनता। बर्तनों वाली शॉप पर पहुंचकर वहाँ पर जो भाई थे हस्बैंड ने उनसे बात की, उन्हें दिखाया तो वो कुकर को देख रहे थे कि मैं देखता हूँ ठीक है बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर इसका प्लास्टिक हमारे पास है तो हम जरूर बना के दे देंगे। आते ही देखिए मुस्तफा के हाथ से ये पॉट गिर गया। मैं अपना संभाल के रखती हूँ। हाँ हानिया का हल्का है ना। अभी हम पहुंच गए हैं मॉल, तो यहाँ से मुझे कुकिंग के लिए एक नॉनस्टिक पॉट्स का सेट लेना है, और इसकी जो सबसे जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि पूरे सौदिया में अभी डिस्काउंट चल रहे हैं जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। तमन्ना देखो ये ले मलाक के लिए, बहुत प्यारा है ना माशाल्लाह, देखो कितना क्यूट सा है। ये एक चीज होगी देखो, एक पीस बस 1800 रियाल का एक पीस। पूरा सेट कितने का है? 4200। ये वाला बहुत प्यारा है। तो मना ये वाला देखो कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। कोई आ रहा है समझ आपको? जो अच्छे वाला हो ना वो मुझे लेकर दे। अभी मैं इनसे कह रही हूँ कि देखें जो अच्छा जो आपको पसंद है ना वो हमने लेना है। पापा क्या कहेंगे? पुराना वाला नहीं, मुझे पुराना वाला। अभी ये देखो तो मना आपका चेंज हो गया ना, बच्चों का चेंज हो गया, तो अब बनता है हक बनता है कि हमारा भी चेंज होना चाहिए। अब मैं बात करूँ ये आगे आगे जा रहे हैं, ये देखे टेबल को किस खूबसूरती से ना यहाँ पे सेट करके रखा है माशाल्लाह। ये वाली टेबल ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और जिस तरीके से इसकी सेटिंग कीजिए, बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं और चम्मच वगैरह गिलास हर चीज़ ये देखें बहुत ही खूबसूरत है। और मैं नहीं कह रही हूँ कि ये वाली जो ना मुझे ले दें, ये डाइनिंग टेबल बहुत प्यारी है, लेकिन इनका कोई ना आसपास क्या दूर दूर तक इनका कोई इरादा नहीं ये लेके देने का। वैसे इसकी प्राइस कहाँ पे है? 17,000 में से 1 रियाल कम है माशाल्लाह। ये देखो कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, ये भी डाइनिंग टेबल है। अभी हम पहुंच गए हैं बर्तनों वाली जगह पे, तो यहाँ पे अभी मुझे देखना है कि जो भी मुझे पसंद है, ये वाला तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन इसका जो कलर है ना बिल्कुल सेम मैच हो जाएगा हमारे किचन की कैबिनेट से, तो मैं कहती हूँ थोड़ा डिफरेंट होना उससे। हालांकि ये वाला काफी अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाला ना तो मना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा है ये? प्यारा है ये वाला, प्यारा लग रहा है ना, लेकिन वहाँ पे भी पड़े हैं, वहाँ से भी देख लें आप। इसमें जो पॉट्स है ना वो छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। ये भी प्यारा है देखो, ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं कह रही हूँ पॉट्स का साइज हो ना बड़े छोटे, और कढ़ाई भी हो और ग्रिल पैन भी हो, पूरा सेट में ले लो। इतनी मुश्किल से रही हूँ मैं, कब से लेने की कोशिश करती लेकिन लिया नहीं। ये भी प्यारा लग रहा है। अभी इस वाले बेड पे ना सच में मेरा दिल लग गया, अब जल्दी से ना मुझे ये वाला लेकर दे। मैंने इन्हें अभी रोक लिया यहाँ पे, इनका देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, बेड प्यारा है और जो उसके ऊपर बेडशीट है वो इतनी प्यारी है। ड्रेसिंग टेबल देखें, और साथ में कर्टन, और ये कबर्ड, और ये देखें साथ में इसके सोफा भी बहुत खूबसूरत है। ये पूरा सेट है यहाँ पे, ये देखें, और बस ये खड़े खड़े देखते रहते हैं। यहाँ से अभी हमने कुछ सामान लिया है, तो फिर मैं घर जाके इंशाल्लाह आप सबको दिखाऊंगी। हाँ ये वाला काफी रिजनेबल प्राइस में है, 450 रियाल में है ये बेड। ये तो सही मिल रहा है ना, ये सिर्फ एक बेड है, सिंगल बेड है, जो तकरीबन 450 रियाल का है। पहले तकरीबन ये था 899 का था, यानी 900 रियाल का था। मैंने आते ही ना पहले ये दिखाया था तमन्ना को, मैंने कहा ये मलाक के लिए हम लेते हैं, सही है ना, मलाक का ही ले दे बस, हमारा ना ले, हमारा तो वैसे भी अब सेट हो गया है, बाद में हम सोचेंगे अपना मलाक का ले दे। तमन्ना टेबल देखो, साथ में मिरर ड्रेसिंग टेबल है ये देखिए, यहाँ से जो हमारी प्रिंसेस मलाक है ना इसके ऊपर चढ़ के ऐसे जाएगी ऊपर। दिखा कैसे हुआ, एक एक चीज जो ना लड़कियों की, जो स्पेशल लड़कियों की छोटी बच्चियों की चीजें होती है ना, इतनी खूबसूरत तरीके से बनाते हैं, रहा ही नहीं जाता, दिल करता बस आके सब कुछ उनका ले लें। अभी हम आए थे काउंटर पे, वहाँ पे बिल बन रहा है, और यहाँ पे काउंटर के साथ ये वाला जो एरिया है ना इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है माशाल्लाह। आए बिना ना मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा चले चल के देख ही लेती हूँ यहाँ पे क्या सेटिंग है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। एक एक चीज को ना इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे डिकोर करके रखा हुआ है, और ये देखे यहाँ पे ये झूला देखें कितना प्यारा है। नहीं निकालना, टूट ना जाए। ढक्कन कैसे इनके, लूज है या ठीक है? सही है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपने किचन के लिए, किचन के मसालों के लिए बॉक्सेस देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस टाइप के लूँ, क्योंकि अक्सर जब मैं कुकिंग वीडियो देखती हूँ ना तो उसमें इस तरह के जो डब्बे होते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, ये भी प्यारा है ना ये वाला, और ये वाले भी प्यारे हैं ना, यही वाले ले लेते हैं। मैं भी ये सोच रही हूँ कि ये वाले ऐसे ले लेती हूँ, जैसे कुछ बड़े हो ना कुछ छोटे हो, कुछ छोटे और कुछ बड़े ऐसे लेते हैं। मसालों के लिए मैंने जो जार जो बॉक्स वगैरह लेने थे वो तो ले लिए हैं, माइक्रोवेव के लिए ना मैं कवर ले लूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे वॉशिंग मशीन का नज़र आया लेकिन माइक्रोवेव का नहीं नज़र आया। हाँ जी, ये
अच्छे हैं। तो लिप्स बने हुए हैं, तमन्ना की लिप्स है इतने बड़े बड़े, ये पकड़ो वाले अच्छे हैं, जैसे हमारे पास थे ना घर पे, ऐसे वाले। हाँ ऐसे वाले अच्छे हैं। ये दुकान खोलनी है क्या आपने घर पे? नहीं, दो दो सबके हैं। देखिए पांच, ये देखो ये टूटे हुए हैं, पता नहीं, देखो ये बच्ची क्या देखती है, ये टूटे उठा के आ गई है। इसमें से दो मेरे, दो आपके, दो मुस्तफा के, दो हानिया के, दो पापा के। बहुत ज्यादा है, कम करो सिर्फ। ये देखो ये ले लो बस, यहाँ से फोर ले लो बस, काफी है, बाकी ये सारे रख दो। अभी मैंने और तमन्ना ने ले लिया मोना के लैपटॉप के लिए एक बैग, क्योंकि कब से उसका लैपटॉप ऐसे इधर उधर घूमता रहता है, कहीं उसके ऊपर क्रैक ना आ जाए या फिर बच्चों से ऊपर नीचे कभी टूट ना जाए, गिर ना जाए। इतना प्यारा है, बहुत क्यूट है, लेकिन पीछे से फटा हुआ है। देखो मलाक के लिए कुछ ले लें यहाँ से। अल्लाह, ये तो बिल्कुल मलाक है मेरी छोटी सी। ये पकड़ो, ले चलो उसके लिए।